बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ ज़ाहिद फ़ारूक। नाज़रीन, इंतहाई अहम मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप किसी भी आने वाली मालूमात को मिस ना कर सकें। आज जो अपने इस वीलॉग में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 6 से 7 बड़ी शख्सियात नैब के निशाने पर हैं। वो जो बार बार ये कहा जा रहा है कि नैब टारजन बनने जा रहा है ईद के बाद, तो आज हम आपको बताएंगे, नाम के साथ बताएंगे कि कौन कौन सी शख्सियात नैब की हिट लिस्ट पर हैं और उनको ईद के बाद गिरफ़्तार किया जा सकता है। तमाम केसेस तैयार हैं और ये आगे जब चलेंगे तो उसके बाद चेयरमैन नैब से सिर्फ उसके वारंट गिरफ्तारी चाहिए होंगे, चेयरमैन नैब की इजाज़त चाहिए होगी। चेयरमैन नैब जब इजाज़त देंगे तो फौरी तौर पर इनको हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि नैब के पास इन दिनों बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तमाम जो मुलजमान थे या वो लोग जिनके खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही थी, जिनको गिरफ़्तार किया गया था, वो एक एक करके सारे छूट चुके हैं और नैब की हिरासत से आज़ादी पा चुके हैं या जमानतों पर हैं। अब नए परिंदों की तलाश की जा रही है और वो नए परिंदे तय कर लिए गए हैं कि कौन कौन से होंगे, और मैं सब का आपको बताऊंगा कि वो 6 या 7 लोग कौन से हैं जो कि अब नैब की हिट लिस्ट पर हैं और ईद के फौरन बाद इनके जो रेफरेंसेस हैं वो दायर हो जाएंगे। केसेस आगे बढ़ रहे हैं, शवाहद इकट्ठे कर लिए गए हैं, सारी चीज़ें तैयार हैं और इनका किस जमात से तल्लक है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले सबसे बड़ी शख्सियत की बात करता चलूं, शहबाज शरीफ। मियां शहबाज शरीफ नैब की हिट लिस्ट पर हैं और ईद के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। इनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वो नैब लाहौर में और नैब मुल्तान के अंदर एक नया केस जो है वो ओपन किया गया है, उसके लिए भी तमाम शवाहद इकट्ठे कर लिए गए हैं। एसेट बियॉन्ड मीन्स के केसेस हैं और ये नैब को की तरफ से इनको बुलाया भी जा चुका है। वहाँ पे इन्होंने वही अलफ लैला की कहानियाँ सुनाई। जब इनसे सवाल किया गया कि आपके पास असासे कहाँ से आए, तो इन्होंने कहा कि कुछ हमें तोहफे में मिले, दोस्तों ने दिए और बाकी मेरे बच्चों के हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपका जो ख़र्चा है वो कैसे चलता है, आपके पास जो इतने पैसे हैं करोड़ों रुपए वो कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने कोई 10-12 भैंसें पाली हुई हैं, उनसे दूध आता है, वो डेयरी फार्म का पैसा और वही मैं अपने आप पे खर्च करता हूँ, मेरे लिए वही है, बाकी सारी जो है वो सुलेमान शहबाज जाने, उनका काम जाने, वही देखते हैं और उन्होंने ही खुद बनाई है। तो ये तो कहानियाँ इनकी, जब भी इनसे पैसा पूछा जाता है तो ये कहते हैं हमें दोस्तों ने दिया है, हमें गिफ्ट किया है, बाकी हम लोगों को तो कोई गिफ्ट नहीं करता, लेकिन इनको क्यों गिफ्ट किया, किस तरीके से गिफ्ट किया, ये सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। पहले भी ये नैब की हिरासत में रह चुके हैं, फिर वहाँ से रिहाई पाई और बाहर चले गए और बाहर से फिर वापस आ गए ताज़ा हवा के झोंके लेने, और इनको शायद ये एहसास था कि कुछ मामलात यहाँ पे आके सेटल हो जाएंगे, लेकिन वो लोग जो इनको फ़ोन करके बुलाते रहे, जो इनके बकोल फ़ोन करके बुलाया गया तो फ़ोन करके बुलाते रहे, शायद उन्होंने फिर फंसा दिया इनको। अब इनको जेल की हवा फिर से खानी पड़ेगी क्योंकि नैब की तमाम शवाहद इनके खिलाफ इकट्ठे किए जा चुके हैं। और मैं व्यूवर्स आपको ये पहले भी एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि इनकी गिरफ्तारी या नाअहली तक बात जा सकती है, क्योंकि जब भी शरीफों के खिलाफ केसेस ऐसे बनते हैं, एसेट बियॉन्ड मीन्स के केसेस बनते हैं, तो इनके पास कुछ भी नहीं होता। जब भी इनसे इनको, चूँकि ये केस ही ऐसा है कि खुद साबित करना पड़ता है, यानी जो चीज़ें बतानी है, हकायक बताने, शवाहद देने, सबूत दिखाने, तो वो इनको दिखाने पड़ेंगे। इन्होंने साबित करना है कि ये जदादें जितनी भी हैं मेरी, मैंने किस तरीके से बनाई। तो जब भी इनसे ये पूछा जाता है तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं आता। पनामा पे इसी तरीके से बड़े मियाँ साहब भी नायल हुए थे और छोटे मियाँ साहब की भी नायली जो है वो की तलवार सर पे लटक रही है। ये तो है जी पहली शख्सियत। अब दूसरी शख्सियत पे आ जाते हैं। दूसरी शख्सियत है जी शाहिद खाकान अब्बासी की। 5 माह पहले इससे पहले भी अगर देखें तो 5 माह तक वो नैब की हिरासत में रहे।
अब नया रेफरेंस दायर किया गया किया जाएगा नैब की तरफ से उनके खिलाफ, और या तो उसका ज़िमनी रेफरेंस मजीद जो पहले से दायर किया गया था एक ज़िमनी रेफरेंस लाया जाएगा, और ये भी एन मुमकिन है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए आने वाले दिनों में। और ये जितनी भी इनकी आपको फुर्तियाँ नज़र आ रही हैं, ये इतना चला चला के बात कर रहे होते हैं, वो उसकी वजह भी यही है क्योंकि इनके ऊपर सर के ऊपर नैब की जो जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटक रही है। और अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो रही कि इनको सिर्फ गिरफ़्तार किया जाएगा बल्कि इनकी फैमिली के लोगों के एहसासों के मुतलक भी छानबीन शुरू कर दी गई है, और इनके नैब की तरफ से इनके बेटे को भी तलब किया गया है। यानी अब फैमिली के दूसरे अफराद के ख़िलाफ़ भी शवाहद इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ईद के फौरी बाद शायद खाकान अब्बासी भी नैब की हिरासत में हो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, तीसरी बड़ी शख्सियत कौन सी हैं? तीसरी बड़ी शख्सियत का तल्लक भी मुस्लिम लीग नून से ही है, और वो है मियाँ जावेद लतीफ़। मियाँ जावेद लतीफ़ आप सोचते होंगे ये वही मियाँ जावेद लतीफ़ हैं जिनके मतलक मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि इन्होंने मरियम नवाज़ के कैंप से इनका तल्लक है, और अपनी मरियम नवाज़ के साथ अपनी वफादारी निभाने के लिए इन्होंने पिछले दिनों इनकी खबर जो थी वो बड़ी गर्दश में रही कि चौधरी निसार अली ख़ान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि धरने के दिनों में चौधरी निसार अली ख़ान जो है वो सहूलतकारी का काम सर अंजाम देते रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया। इसके अलावा इन्होंने मराद सईद की फैमिली के बारे में, उनकी बहनों के बारे में बहुत नाज़ेबा गुफ्तगू की जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, ऑन दी फ्लोर उन्होंने की, और जिस पर दोनों के दरमियान झगड़ा भी हुआ। तो ये इनका है रवैया इस तरह का रहा है, और इनके ख़िलाफ़ भी केस तैयार हो चुका है। वो इससे पहले नैब के ख़िलाफ़ जो है लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर चुके हैं कि मेरे ख़िलाफ़ इस तरीके से केसेस हो रहे हैं या मुझे तंग किया जा रहा है, इस मुख्तलिफ़ किस्म की प्ली ली है उन्होंने। तो इसके बावजूद वो नैब की हिट लिस्ट पर मौजूद हैं, और नैब लाहौर ही इनके ख़िलाफ़ जो केसेस है उनको तैयार कर रहा है और शवाहद इकट्ठे कर लिए हैं। ये जिन लोगों के मैं नाम बता रहा हूँ आपको, इनके मतलब तमाम शवाहद इकट्ठे किए जा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी, नंबर चार पे शख्सियत, बड़ी ही अहम शख्सियत, मुस्लिम लीग नून से इनका भी तल्लक है, वो हैं जी राना सनाउल्ला। राना सनाउल्ला के ख़िलाफ़ पहले भी एक केस बन चुका है एंटी नारकोटिक्स फोर्स का, ANF का, और इतना मजबूत केस के जिसमें किसी सूरत भी बेल मुमकिन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो बेल पर रिहा हुए, ज़मानत पर रिहा हुए, और उन्होंने बाद में यही डंडोरा पिटना शुरू कर दिया कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था, मुझे फंसाया गया। अब नैब की तरफ से उनके ख़िलाफ़ केसेस तैयार किए जा चुके हैं ईद के फौरी बाद, ये भी नैब लाहौर की तरफ से केसेस इनके ख़िलाफ़ शवाहद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ईद के फौरी बाद इनकी मुश्किलात में भी मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। ये जो कुछ दिन थे आज़ादी के इन्होंने खूब इंजॉय कर लिया है, अब फिर से लगता है जेल की हवा इनको खानी पड़ सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, नंबर पाँच पे हमारे पास जो शख्सियत आती है वो है अहसन इकबाल। अहसन इकबाल के ख़िलाफ़ पहले भी नैब ने उनको हिरासत में लिया था, फिर ज़मानत पर रिहा हुए थे, पहले भी ये जेल की हवा खा चुके हैं, और इनके मतलक बहुत से मामलात थे। पहले तो नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मामला था, अब इनकी मिनिस्ट्री के मतलक, अब नैब ने बड़ा तगड़ा हाथ डाला है, इनकी मिनिस्ट्री के मतलक बहुत सी मालूमात हासिल की हैं, और इन्होंने नजायज़ तरीके से यानी अपने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करते हुए बहुत सी ऐसी बरतियाँ की जो इनको आगे चलकर इनकी मुश्किलात में भी इजाफा कर सकती हैं, और ये भी नैब की हिट लिस्ट पर है और इनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। नंबर सिक्स पे आते हैं जी, नंबर सिक्स पे हमारे पास जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो शख्सियत आती है उसका तल्लक भी मुस्लिम लीग नून से ही है, और वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी तगड़ी हसीयत के मालिक हैं, बड़े तगड़े इनके उम्मीदवार समझे जाते हैं, इनके रहनुमा समझे जाते हैं। जी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ अमीर मकाम का, जिसके मतलब परवेज़ मुशर्रफ़ ने कहा था कि ये मेरा भाई है, और वहाँ पे भी उन्होंने तगड़ी सपोर्ट दी थी परवेज़ मुशर्रफ़ को भी। लेकिन खैर तमाम शवाहद इनके मतलब भी नैब के पास मौजूद हैं और इनके ख़िलाफ़ सारे केसेस तैयार कर लिए हैं। अब फैसला सिर्फ नैब के चेयरमैन के हाथ में है कि कब वो गिरफ्तारी के परवाने जारी करते हैं और नैब इनको हिरासत में लेता है, और इन तमाम छः लोगों की फाइल्स तैयार हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सारे मुस्लिम लीग नून के हैं। जी हाँ, एक और भी शख्सियत है
जिनके मुतलक कहा जा रहा है, लेकिन क्या उनको गिरफ्तार किया जाता है या उनके केसेस तो चलेंगे, ये तो उनके मुकम्मल शवाहद भी मौजूद हैं और बड़ी मुश्किल का मुश्किल में गिरफ्तार हैं वो भी। वो हैं जी चौधरी परवेज़ अलाई मुस्लिम लीग काफ के, उनके मुतलक भी नैब के पास पूरा रेफरेंस तैयार किया जा चुका है, जो उन्होंने 1989 से 1993 का जो दौर था उसमें नवाज शरीफ की वज़ीरे आला पंजाब थे और ये वज़ीरे बल्दियात थे, इन्होंने बहुत सी भर्तियाँ की थी, 30 के करीब बताया जा रहा है 90 भर्तियाँ की गई थी, जिसमें से 60 वज़ीरे आला के सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए भर्तियाँ की गई, जबकि 30 भर्तियाँ ऐसी थी जिनके साथ कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं लगाया गया जो वज़ीरे आला पंजाब का था बल्दियात के डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे भी जो गवाही है उसके ख़िलाफ़ वो मियां नवाज शरीफ की मौजूद है। मियां नवाज शरीफ ने से जब नैब ने ये सवाल किया, कोट लखपत जेल में थे, ये भी मैं आपको पहले व्लॉग में बता चुका हूँ, जब ये कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ थे तो उस ज़िमनन ये सवाल किया गया कि जो भर्तियाँ की गई वहाँ पर उसमें 60 के करीब लोगों का तो आपके नोटिफिकेशन में नाम मौजूद है जिनकी आपका सवाब दीदी इख्तियार करते हुए आपने इजाज़त दी, और 30 लोग ऐसे हैं जिनका आपने वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है जो वज़ीरे आला पंजाब ने उसकी इजाज़त दी हो, तब वो वज़ीरे आला पंजाब थे। तो लेकिन वज़ीरे बल्दियात जो हैं या वो लोग जिनसे बयान रिकॉर्ड किए गए, जिन्होंने यानी जो सेक्रेटरीज थे उस वक्त के जिन्होंने अपॉइंटमेंट की, उन्होंने ये बयान दिया था कि ये वज़ीरे आला पंजाब की वर्बल इंस्ट्रक्शन पर ये की गई हैं, और इसका उन्हें किसने इन्फॉर्म किया, चौधरी परवेज़ अलाई ने इन्फॉर्म किया था कि वज़ीरे आला से वर्बल जो है वो इजाज़त ले ली है। तो नवाज शरीफ ने ये बयान दिया था कि ये 30 लोगों को मैंने किसी सूरत भी कोई वर्बल मैंने इजाज़तनामा नहीं दिया था, और अगर मैंने देना ही होता 60 का दिया था तो इन 30 का भी दे देता, ये सारी बोगस भर्तियाँ की गई, इस पर मेरा कोई भी वो नहीं है, मेरी तरफ से कोई इजाज़तनामा नहीं दिया गया, जिसने की है आप उससे पूछें। तो वो कौन था, वो चौधरी परवेज़ अलाई थे। तो ये उनके ख़िलाफ़ बड़ी तगड़ी किस्म की गवाही मौजूद है मियां नवाज शरीफ की। तो आगे चल के देखते हैं नैब सियासी दबाव में आता है या विकेट के एक तरफ खेलता है या विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश करता है, अगर दोनों तरफ खेलने की कोशिश की तो फिर चौधरी परवेज़ अलाई का बचना भी मुश्किल हो जाएगा। व्यूवर्स, वही बयान जो चल रहा था शेख रशीद का कि टार्जन बनने जा रहा है, हमने आपको बता दिया कि टार्जन किस तरीके से बनेगा, कौन सी बड़ी शख्सियात हैं जो नैब की हिटलिस्ट पर हैं, और बहुत जल्द वो उनमें से बेशतर की गिरफ्तारियां हो सकती हैं ईद के फौरी बाद, और उन गिरफ्तारियों से क्या वही कुछ निकलता है जो माजी में निकलता है, या इस बार जो नैब ने हाथ डालने का सोचा है उसके मुताबिक मुकम्मल शवाहद इन्होंने इकट्ठे किए हैं जिस पर केस जाके वो प्रूफ भी कर सकें, अगर वो नहीं करते तो फिर यही लोग जब दोबारा बाहर आएंगे तो फिर ये कहेंगे कि सियासी इंतकाम का इनको निशाना बनाया गया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, और फिर ये लोगों के पब्लिक में जाके हीरो बनने की कोशिश करेंगे, और खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, इस मुल्क को भुगतना पड़ेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।